चार घंटे में 5 किलोमीटर ले जाकर एक बच्चे की जान बचा ली जाती है। जरूर किसी अफसर या बड़े आदमी की बेटी होगी। टिकटॉक और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक 40 डे बेबी का जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, जिस एम्बुलेंस को मोहम्मद हनी ब्लांजा ने मैंगलोर से बेंगलोर 7 घंटे का सफर को 4 घंटे में तय किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसके बाद एक लड़का ने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड किया और उसने बोला, यदि ये लड़का या लड़की गरीब परिवार का होता तो इसे 4 या 8 घंटे में भी एम्बुलेंस को मैंगलोर से बेंगलोर नहीं ले जाता। किसी न किसी अमीर घर का लड़का या फिर लड़की होगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। 4 घंटे में 5 किलोमीटर ले जाकर एक बच्चे की जान बचा ली जाती है। जरूर किसी अफसर या बड़े आदमी की बेटी होगी। लेकिन एक गरीब परिवार की बच्ची टाइम से अस्पताल पहुंचने के बाद भी 4 घंटे तक डॉक्टर नहीं मिलते हैं और बच्ची अपना दम तोड़ देती है। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने वीडियो ये देख लिए, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आम पब्लिक या जो टिकटॉक यूजर है काफी ज्यादा इस लड़के को सपोर्ट कर रहा है और बोल रहे हैं कि हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यदि कोई गरीब घर का लड़का या फिर लड़की होता, 4 या 8 घंटे में भी इसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटा को सफर को 4 घंटा में तय किया गया और उस बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद जान बचाई गई। आम पब्लिक भी इस लड़के को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है, यदि गरीब परिवार के लड़का फिर या लड़की होता है तो उसे कोई भी देखने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे अमीर घर का लड़का या फिर लड़की था, इसलिए इसे मैंगलोर से बेंगलोर 4 घंटे में शिफ्ट किया गया। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और